इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन किया है। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्षद का वार्ड होने के कारण सड़क नहीं बनवाई जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। इंदौर शहर में खराब सड़कों पर गंदे पानी के बीच में बैठकर, कीचड़ भरी सड़कों पर बैठकर कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर देख सकते हैं आप, विरोध किया जा रहा है। दरअसल सड़कें खराब हैं जिसके चलते आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं, काफी परेशानी रहवासियों को हो रही है और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद का वार्ड है इसीलिए यहां सड़क नहीं बन रही, ऐसे आरोप भी इनकी ओर से लगाए गए हैं बीजेपी पर। सड़कों पर गड्ढे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रही है गड्ढों में बैठकर, क्योंकि बारिश के कारण शहर में गड्ढे हुए थे और उसके बाद ये गड्ढों में पानी भरा हुआ है और कई वाहन चालक इन गड्ढों में गिरते हैं। इसको लेकर अब जो कांग्रेस है वो भेदभाव का आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस का पार्षद का ये वार्ड है और यही कारण है कि नगर निगम ने इन गड्ढों को नहीं भरा। तो तमाम तरह के जो आरोप है वो कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है और इस जो सड़क है इसको नाम दिया गया है यमराज मिलन मार्ग, यानी कि जो कांग्रेस है वो तमाम तरह की जो तख्तियाँ हैं वो लेकर गड्ढों के अंदर बैठी हुई है, पानी के अंदर। धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे आप? धरने पर हम कहाँ बैठे हैं, गड्ढों में बैठे हैं। बस आप देख सकते हैं कि ये पूरी भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार का परिणाम है ये पूरी सड़क और ऐसी तमाम इंदौर की सड़कें। तो हम यहाँ बैठे हैं अपनी जनता की सुविधा की मांग के लिए कि आइए प्रशासन यहाँ देखिए और इन गड्ढों को भरने के लिए कृपा कीजिए। कांग्रेस पार्षद का वार्ड होने के कारण भेदभाव है? बिल्कुल, यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्षद शेफू और मैं सोनीला मेमरोड भाटिया, हम दोनों का पार्षद का क्षेत्र लगता है ये वार्ड 45 और 46, ये उसी के बीच की सड़क है। किसी अधिकारी से बातचीत हुई अभी? सबसे तमाम लोगों से बात हो रही है, तमाम लोगों से बात हो रही है, लेकिन सबके तरफ से आश्वासन ही मिलता है। हम भी रुके हुए थे कि चलिए ठीक है अब कर देंगे, चलिए अब कर देंगे, चलिए अब कर देंगे, लेकिन आप देखिए 47 में पूरी स्थिति सही है, यहाँ से आप आगे बढ़ो 26 में स्थिति सही है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का शासन है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके नहीं रिपेयर किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर वार्ड की पार्षद कांग्रेस की है। क्या रणनीति रहेगी आगे? हमारी रणनीति साफ है, हम यहाँ बैठे जब तक कि ये जगह ठीक नहीं कर देते, जब तक कि सड़क को बना नहीं देते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बिल्कुल तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ये वो तस्वीरें हैं यहाँ पर, और जो तमाम तरह के जो कांग्रेस पार्षद है और उसके साथ ही जो कांग्रेस नेता है वो धरने पर बैठे हुए हैं। लाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश बंसल, न्यूज़ इंदौर।